मेरे सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम है नितेश जैन और आप सबका स्वागत करता हूं मैं अनाज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे मेघमणि कंपनी की प्रोविन दवाई के बारे में। जी हां दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से इस दवाई के बारे में तमाम तरह की उपयोगिता बताएंगे कि कौन कौन सी फसल में आप इस दवाई को उपयोग में ले सकते हैं, इसके टेक्निकल नाम के बारे में जानकारी देंगे और साथ ही साथ में इसकी डोज या फिर इसकी मात्रा के बारे में भी बताएंगे और इस पूरी विधि के बारे में समझाएंगे, तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे, इसकी रचना और इसके स्वरूप के बारे में बताएंगे। वीडियो के अंत में आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए कोई भी दवाई उपयोग करते समय, उन सब के बारे में भी विस्तार से जानकारी देंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए और ज्यादा जानकारी के लिए अंत तक हमारे साथ में ऐसे ही बने रहिए। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं कि जो ये प्रोविन दवाई है, इसको मुख्य रूप से आप कपास, सोयाबीन, दलहन और विशेष रूप से मूंग, उड़द, मिर्ची आदि तमाम सब्जी वर्गीय फसलों में उपयोग में ले सकते हैं। यह एक कीटनाशक प्रवृत्ति का दवाई है, इसी वजह से जिस भी फसल में कीटों से संबंधित समस्या रहती है, विशेष रूप से मिलीबग, थ्रिप्स या फिर रस चूसक कीड़े रहते हैं, उन सारी फसलों में आप इस दवाई का उपयोग बेहतर परिणामों के लिए कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसके टेक्निकल नाम की, तो दोस्तों इस दवाई में सिंगल टेक्निकल है प्रोफिनोफॉस, मगर वो 50% ईसी फॉर्मुलेशन में है, इसलिए ये दवाई को बहुत ज्यादा ताकतवर बना देता है और इसी वजह से इसके दूरगामी परिणाम हमें देखने को मिलते हैं जब भी हम फसल में इसका स्प्रे करते हैं। तो मुख्यतः इसका स्प्रे सेकेंड डोज के टाइम होता है, सेकेंड स्प्रे के टाइम होता है, इससे पहले हम कोई हल्का कीटनाशक का स्प्रे करते हैं, जैसे कुनालफोस हो गया, डीडीपी हो गया या और मोनोक्रोटोफॉस हो गया 36% वाला, या कोई सा भी दूसरा हल्का स्प्रे करते हैं। ये सेकेंड स्प्रे के टाइम पे ही हम विशेष रूप से तमाम फसलों में करते हैं। और अगर हम बात करें इसके डोज के बारे में, तो दोस्तों मात्र 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसका डोज लेना है, मतलब 15 लीटर के स्प्रे टैंक में मात्र आपको 40 ml दवाई लेनी है, जो कि एक एकड़ में आपको वैसे 10 स्प्रे टैंक करने हैं। दोस्तों 10 स्प्रे टैंक करना बेहद जरूरी है, तभी आपका पौधा पूरी तरीके से नहलाया जाएगा और पूरी तरीके से दवाई उसमें बेहतर तरीके से काम करेगी। और अगर हम बात करें इसकी महत्वपूर्ण जानकारियों की, तो दोस्तों ये स्लाइड आप बहुत अच्छे ढंग से देख लीजिए। प्रोविन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड है, जिसमें कि लेपिडोप्टरा और रस चूसने वाले जैसे थ्रिप्स, माइट्स और मिलीबग को कंट्रोल करता है, जो कि हमारी फसल में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, वो ये तीन ही तरह के कीट होते हैं। और गुलाबी तना छेदक, गुलाबी सुंडी, पत्ता लपेट, माहू, तेला, थ्रिप्स, इल्ली, बॉलवर्म, पिंकवर्म, व्हाइट फ्लाई जैसे इंसेक्ट को भी ये कंट्रोल करता है। मतलब अगर आपने गौर से देखा हो तो ये तंबाकू लट को छोड़ के तमाम तरह की लटों, सुंडियों, हरी इल्ट, गोप की सुंडी, पत्ता लपेट, तने को छेदने वाली लटे सबको ही खत्म करता है सिंगल टेक्निकली। और इसका असर आपको 18 दिन तक दिखाई देता है, लगभग इसकी कार्य क्षमता 15 से 18 दिन तक आपको दिखाई देती है। ये सभी प्रकार की इल्लियों को कंट्रोल करता है, जो भी हमने स्क्रीन पे नाम लेके आपको बताइए। अगर इसको और ज्यादा ताकतवर आपको बनाना है, तो इसमें अच्छे से स्टिकर का उपयोग करें। जब भी हवा तेज चल रही हो, तब आपको इसका स्प्रे नहीं करना है, उचित तापमान, उचित मौसम, उचित समय देखकर ही आपको इसका स्प्रे करना है। दोस्तों एक जानकारी और दे दें कि अगर फंगस से संबंधित कोई समस्या है, तो आप कोई भी इसमें फंजीसाइड मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं, एनपीके या कोई भी लिक्विड फर्टिलाइजर मिलाकर भी स्प्रे कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये फसल के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है। इसमें आप कोई सा भी फॉर्मुलेशन, कोई सा भी टेक्निकल मिला सकते हैं, बशर्ते वो खरपतवार नाशक दवाई नहीं होनी चाहिए। और ये थी तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां प्रोविन दवाई के बारे में। अगर हम बात करें सावधानियों की, तो दोस्तों कोई भी दवाई हो, सावधानी रखना बेहद जरूरी है, चाहे वो प्रोविन दवाई हो। बच्चों की पहुंच से हमें हमेशा दवाइयों को दूर रखना है। खेत में जब भी हम स्प्रे करने जाएं, तो हाथ में दस्ताने, मुंह पे मास्क हमेशा लगा हुआ होना चाहिए। हमेशा हमें अच्छा आहार लेके, अच्छा भोजन लेके ही दवाई का स्प्रे करने जाना है, खाली पेट हमें कभी भी स्प्रे करने नहीं जाना है। बेहतर परिणामों के लिए नैपसैक स्प्रे पंप और फ्लैट फैन नोजल का ही उपयोग करना है,
और हवा से विपरीत दिशा में कभी भी स्प्रे नहीं करना है। जिस दिशा में स्प्रे चल रहा है उसी दिशा में, जिस दिशा में हवा चल रही है उसी दिशा में आपको स्प्रे करना चाहिए। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी कि ये जो बॉटल्स होती हैं ये अत्यंत जहरीले पदार्थ होते हैं, जो जब भी आप इनका पूरा उपयोग कर लें उसके बाद में बॉटल को तोड़ मरोड़ के नष्ट करके वहीं जमीन में गाड़ आएं। अन्य किसी भी उपयोग में आपको इन बॉटल्स को नहीं लेना है दोस्तों, क्योंकि ये मानव शरीर के लिए बहुत ही घातक साबित हो सकती है। ये थी तमाम जानकारियां, तमाम महत्वपूर्ण सावधानियां प्रोविन दवाई के बारे में। आने वाले वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे एक बहुत ही जबरदस्त मेघमणि कंपनी की रेड स्टार दवाई के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, आपको विस्तृत रूप से विस्तार से रेड स्टार के बारे में वीडियो के माध्यम से जानकारी देंगे। और अगर अभी तक भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लीजिए और हमारे साथ में ऐसे ही बने रहिए ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे और आपका और हमारा साथ ऐसे ही बना रहे। दोस्तों नमस्कार।